दवाई खरीदने से पहले जान लें इस लाल पट्टी का मतलब, वरना जा सकती है जान। आपने अब तक अपने जीवन में अनगिनत बार मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीदी होगी, पर क्या आपने दवाइयाँ खरीदते वक्त इस बात के ऊपर ध्यान दिया है कि दवाइयों के पत्ते या फिर डब्बे के ऊपर लाल रंग की एक पट्टी बनी होती है। अगर आपने इस पट्टी के ऊपर ध्यान भी दिया होगा तो आपको यह बात शायद ही मालूम होगी कि दवाइयों के पैकेट के ऊपर बनी रहने वाली उस पट्टी का मतलब क्या होता है। अगर आपको दवाई के पैकेट के ऊपर बनी होने वाली उस लाल पट्टी का मतलब नहीं पता तो चलिए आज हम आपको उसका मतलब बताते हैं। लाल पट्टी का मतलब जानने के बाद आप भी बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि अलग अलग लोगों के मन में दवा के पैकेट के ऊपर बनी रहने वाली लाल पट्टी के निशान को लेकर अलग अलग धारणाएं हुआ करती है। अलग अलग धारणाओं की वजह से ही लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। परंतु हम आपको बता दें कि जिस किसी दवा के डब्बे के ऊपर लाल पट्टी के साथ RX लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है कि उस दवा का इस्तेमाल आप किसी डॉक्टर के निर्देश के बाद ही करें। अगर आप बिना किसी डॉक्टर के निर्देश के उन दवाओं का सेवन कर लेते हैं तो ऐसे में आपको आने वाले वक्त में इसकी वजह से पछताना पड़ सकता है। इन दवाओं का सेवन करने से आपके शरीर के ऊपर इसका गलत प्रभाव पड़ने की संभावना काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा जिस किसी दवाई के डब्बे के ऊपर लाल पट्टी के साथ NRX लिखा होता है उसका मतलब यह होता है कि उस दवाई को सिर्फ डॉक्टर ही बेच सकते हैं। डॉक्टरों के द्वारा बेचे जाने के लिए बनाई जाने वाली इन दवाइयों को अगर कोई मेडिकल शॉप वाला बेचता है तो आप इस बात को समझ ले कि उस दवाई में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आपको बता दें कि इन दवाइयों के ऊपर NRX इसलिए लिख दिया जाता है क्योंकि यह दवाइयां बहुत ही ज्यादा नशीली हुआ करती है, जिसकी वजह से इन दवाइयों को चुनिंदा मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध करवाया जाता है। इस तरह की दवाइयां ज्यादातर डॉक्टरों के पास ही पहले से मौजूद होती है, इसलिए अगली बार से दवाइयों को खरीदते वक्त आप इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा।